वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू माय लवली एम्बियंस एंड मैं गुड मॉर्निंग स्टार्ट हियर इन अमोल शोरूम नहीं सॉरी अमोल के हेयर सैलून और यहाँ पे पापा भी बाल काट रहे हैं और ये फिर कैसे अमोल भाई एकदम अमोल का बर्थडे भी है सो हैप्पी बर्थडे अमोल थैंक यू सो मच सारे एम्बियंस विश कर देना कमेंट सेक्शन में अमोल को हैप्पी बर्थडे थैंक यू गाइस यस यहाँ पे पापा बाल काट रहे हैं हमारे पापा हाय कर दो मेरे पापा को ना धर्मेंद्र बनाने का तुझे समझा क्या पापा को वैसे बहुत लोग कॉम्प्लीमेंट करते कि आप धर्मेंद्र जैसे दिखते हो पर मुझे तो आप जैकी श्रॉफ जैसे दिखते हो नहीं धर्मेंद्र कौन है चचेरा धर्मेंद्र को आप जानते नहीं क्या यार तो इसी तरह से पापा का हो गया है एकदम सक्सेसफुली और अभी अमोल भाई मेरी बारी आती है सही yes, काम करते हैं कटिंग करने के बाद से मिलता हूँ 1 2 3 सो इसी तरह से मेरे काट लिया है अमोल भाई ने बाल सो जस्ट डू कमेंट में कि कैसा लग रहा है बिटवीन अमोल का हेयर सैलून का नाम है हेयरपोर्ट सैलून सो एड्रेस मेरे डिस्क्रिप्शन पे है और हाँ मेरा यूट्यूब पे भी चैनल है आप प्लीज सब्सक्राइब करना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इंस्टा पे भी हमारा पेज का शॉप का पेज है सो फॉलो करो डू फॉलो हिम एंड आल्सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम योर इंस्टाग्राम आईडी एंड बिटवीन दैट ओके बाय आ चुका हूँ मेरे घर पे और मैं एकदम ऑल ड्रेस्ड अप हूँ एंड अभी मैं हूँ बहुत घाई में बिकॉज घाई क्यों है क्योंकि अभी मुझे निकलना है दादर बिकॉज दादर में है मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग मैं बाइक से या फिर कार से नहीं जा रहा दादर बिकॉज आज मैं पकड़ने वाला हूँ लोकल ट्रेन विथ माई फ्रेंड तन्मय क्या तन्मय फिर मजा आने वाला है कि नहीं मजा आएगा ना बहुत बड़े दिनों बाद मैं लोकल ट्रेन में बैठने वाला हूँ वेल अभी उड़ीपी से जब आया था ना मैं तब मैं लोकल ट्रेन में बैठ गया था बट अभी ऑफिशियली बैठूंगा क्योंकि अभी 1 तारीख से शुरू हो गया है गवर्नमेंट ने शुरू कर ही दिया है Right now I am getting late, so I will get back to you once I reach to Dombivli station. चलो फिर तुमने निकलते लिफ्ट आ गई है बाय मम्मी अरे मेरे स्टंटमेंट नहीं करने वाला स्टंटमेंट समझ कर रखे रखते मम्मी ने मुझे चलो बाय मम्मी फाइनली मैं आ चुका हूँ डोंबिवली स्टेशन पे सो वहाँ पे है डोंबिवली लिखा हुआ सो राइट नाउ आई एम गेटिंग लेट बिकॉज हमारे अभी ट्रेन थोड़ी देर में आने वाली है तो क्या तुमने टिकट निकाला है क्या निकाला तुमने कैसे निकाला बेटी मेरे साथ था तू समथिंग इज स्पेशल यू आर हियर ये कुछ माहौल है हमारे डोंबिवली स्टेशन का जैसे कि आप भीड़ देख सकते हो लॉकडाउन हो कोरोना हो डोंबिवली स्टेशन में भीड़ तो कम होने ही नहीं वाली है इसी तरह से हमारी ट्रेन आ गई है फाइनली मैं अभी 6 महीने के बाद बैठने वाला हूँ फाइनली हम लोग अभी लोकल ट्रेन में बैठे ऐसा लग रहा है इधर को इधर इधर कैमरा में तो अभी गाइस बहुत नॉइज है हाँ इंटरव्यू चल रही है बैकग्राउंड में बहुत नॉइज है एक काम करते हैं ट्रेन से उतरने का तब से मिलता हूँ तो इसी तरह से अभी हम फाइनली अभी हम लोग हो गए हैं लैंड दादर स्टेशन पे तो फिर तन में आफ्टर एन लाइक 6 मंथ नहीं तो उड़ीपी में आया था बट इतना भी लॉन्ग ट्रैवल हम लोगों ने किया नहीं था तो फिर ठीक है सो अभी हमारे एक मीटिंग है फुल मीटिंग अटेंड करने के बाद आपसे आपसे मिलता हूँ सो आफ्टर कंप्लीटिंग आवर मीटिंग पूरा दिन चला गया यार तन्मय दिन मतलब हम लोग आ ही गए थे 3 बजे सो वो इम्पोर्टेंट मीटिंग सक्सेसफुल हो चुकी है और राइट नाउ अभी हम लोग दादर अगर आ ही गए तो मैंने सोचा कि सिद्धिविनायक टेम्पल पास में ही है तो थोड़े दर्शन भी हो जाए सो यहाँ पर अभी आज तो है संकष्टी सो मुझे लग रहा है कि बहुत लाइन रहने वाली है सो लेट्स सी लाइन रहेगी कि नहीं बट क्या तन्मय जाने की नहीं जाने जय श्री राम सॉरी गणपति बप्पा मोरया तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऑफलाइन क्योंकि ऑनलाइन हमने उन्हें कुछ QR कोड चाहिए रहते टेम्पल के बाहर सो अभी हम लोग ये लेके घूम रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो वे टू रिद्धि गेट और इतना हम लोग कितना 10 मिनट हो गए हम चल ही रहे और पीछे आप देख सकते हो कि गली पे गली लगती जा रही है मतलब क्या है ये अभी रिद्धि गेट बोल के क्या हमारा अपहरण होने वाला है नहीं होगा रिद्धि गेट मिलेगा तो हम सिद्धिविनायक गेट जाएंगे आफ्टर एंड 10 मिनट्स ऑफ वॉक फाइनली वी गॉट क्या हुआ भाई गाड़ी चल रही है कि नहीं देखो रिद्धि गेट पे आते आते सब लोग की हवा टाइट हो गई है फाइनली रिद्धि गेट मिल गया सो बस अभी यहाँ पे दर्शन जल्दी मिल जाए हमें
नहीं कम है इतनी। ओ ओ ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लाइन देखो जैसे कि वहाँ पे देख सकते हो। ओ बाय, लगता है बोट वाट लगने वाली है। लेट्स सी, आज भगवान के लिए हो जाए, आज की रात भगवान के नाम। फाइनली गाइस सक्सेसफुली हमारा दर्शन हो गया, सिर्फ लाइन के यहाँ पे हमारा एक घंटा गया, बाकी दर्शन तो ऑन द स्पॉट मिल गया। फिर प्रसाद बताओ, फिर ये प्रसाद सारे एम्बियंस के लिए, एक एक करके खा जाना। सो कुल्फी खाते खाते मैं और तन्मय आ गए दादर की चौपाटी। सो अभी दादर की घर जाने वाले थे, पर हम लोगों ने सोचा कि चलो चौपाटी आ जाए, यहाँ पे नजरों की लुफ्त उठाए। और पीछे है मेरे बैंड रोवर सीलिंग, एंड यहाँ पे आज मुझे टोटल गाइस 6 सब्सक्राइबर्स मिले। सो मैंने सोचा कि उनको लू व्लॉग में, पर मैंने सोचा कि व्लॉग तो हर टाइम होते ही रहते हैं, थोड़े बात कर लीजिए इंटरेक्शन। सो बस कुछ नहीं, अभी ये लुफ्त उठाएंगे फिर निकलेंगे किधर, घर पे निकलेंगे। तेरी मेरी ओ टूट गई वांकल, वांकल जीवे टूटे अंबर तो तारा। यहाँ पे अंकल अपने फ्रेंड को फोन कर रहे हैं। अंकल बहुत अच्छा गाते हो, इंडियन आइडल गए थे क्या? रब रखा मोह मो जान वाली। कैसा लग रहा है गाइस? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। ₹100 निकालो, ₹100 मेन का मैनेजर है। अरे मेन का मैनेजर, ₹100 निकालो, चलो ₹100 निकालो सब लोग, ₹100 निकालो। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली आपका भाई आ चुका है घर पे आफ्टर स्पेंडिंग वंडरफुल डे। एंड ये गाइस मस्ट बी वंडरिंग दैट मैं सिद्धिविनायक गया ही था। अरे यार बाल क्या हो गया मेरे, अभी मैंने हेयर कट किया था ना। हाँ, सो मैं कहाँ पे था? सो अभी मैं सिद्धिविनायक गया ही था, तो मैंने सिद्धिविनायक अब मैंने बताया क्यों नहीं। वेल, जब मैं गणपति बप्पा के पास गया तो मैंने निकाला मेरा मोबाइल। वेल मोबाइल तो मैंने बाद में निकाला, जब मैं बप्पा के पास गया तब मैंने ना गलती से मेरा जो मास्क था वो मैंने नीचे रखा था, और वहां पे मैं नजर में आ गया सारे पुलिस वाले भी तो नहीं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनके सारे नजर में मैं आ गया, और फिर बेशर्मों की तरह मेरे मोबाइल उठाया, भगवान के सामने कर दी शूटिंग शुरू। मुझे नहीं पता था कि शूटिंग अलाउड है, और यस उन्होंने मेरा मोबाइल ले लिया, वीडियो डिलीट कर दी। बट मेरे मन में लगा कि यस रिसेंटली डिलीटेड में फुटेज होगी और मैं ब्लॉग में डाल दूंगा, बट वो पुलिस वाला निकला स्मार्ट और उसने रिसेंटली डिलीटेड से भी कर दिया वो फुटेज डिलीट। राइट, इट्स टाइम कम टू रैप दिस लवली व्लॉग, सो यू नो द ड्रिल। सो ज्यादातर लाइक बटन को दबाकर कीजिए ब्लैक, सब्सक्राइब बटन को दबाकर कीजिए ग्रे। सो या टिल देन आई एम माय वॉइसलेस साइनिंग ऑफ फ्रॉम यूट्यूब, हैव अ गुड डे, आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा रहेगा, एंड यस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो टिल देन बाय बाय। इसके पास गवर्नमेंट का पास है जरा बताना। नहीं जाने दे, है मेरे पास, है तेरे पास, बता फिर। ब्लर कर देना, पर ब्लर कर ओके ओके फिर बताने की जरूरत नहीं।